अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स करेंगे। उसके लिए हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, उससे हम इन दोनों फॉर्मूलाज के जरिए से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1795 एंड 1825 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास डाटा गिवन है, ईयर हमारा है 1791 टू 1831। अगर आप देखें तो 1801 माइनस 1791, ये 10-10 ईयर का ना ये डिफरेंस है, मतलब इक्वल इंटरवल है हमारे। और पॉपुलेशन ये 48, ये इन लैक है पॉपुलेशन ये जो नीचे दी गई है। तो ये हमारा टेबल है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमने फाइनाइट डिफरेंसेस का टेबल बनाते हैं। इस टेबल को कैसे बनाती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूंगी। तो हमारी ये पॉपुलेशन, ये जो ईयर है, यहाँ पे हमने एक्स इससे कह दिया 1791, 1801, 1811, सो ऑन। और एफ ऑफ एक्स है हमारा ये पॉपुलेशन 48, 60। अब हमने ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये जो ऑपरेटर हैं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ये हम कैसे, अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स हमने पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, 65 में से माइनस करेंगे 48, मतलब जो आगे वाली वैल्यू है ना उसमें से पिछली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो ये 65 माइनस 48 तो 17, तो ये हम बिल्कुल इसके सेंटर में इन दोनों वैल्यूज के आगे लिख देंगे। अब अगला, 71 में से 65 माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 83 में से 71 पिछली वैल्यू जो है 12 आ गया। अब 96 में से उसकी पिछली वैल्यू जो माइनस की, 96 माइनस 83 तो हमारे पास आ गया 13। ये आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस आप लिखते हो ना, तो ये बिल्कुल इनके ना सेंटर में लिखो। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस। अब अगला सेम इसी तरह से हमने करना है। अगली, अब ये 17 है 6, ये अगली जो वैल्यू हमारी 6 है इसमें से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देनी। 6 माइनस 17 तो हमारे पास ये आ गया -11। इसी तरह 12 माइनस 6 तो हमारे पास 6 आ गया। 13 माइनस 12 तो ये हमारे पास आ गया 1। सेम इसी तरह से 6 माइनस इंटू माइनस 11 17 आ गया। 1 माइनस 6 माइनस 5 और ये लास्ट वाला हमारा आ गया माइनस 5 माइनस 17 माइनस 22। ठीक हो गया। तो ये अब हमारा एक टेबल जो है हमारा बन गया है। और हमने इसे कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर ये जो वैल्यूज हमने निकाली है ना, ये हमारी होनी है यूज। तो आगे अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए कैसा होगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड आना चाहिए, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला ये जो है हमारे पास, अब ये लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ एक्स u ओवर 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1, आगे प्लस u u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस u u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हमने आगे बढ़ते जाना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है अगर हम इसे देखें तो हमें उन्होंने कहा है कि 1795 अब अगर आप देखो डाटा को तो 1795 ये जो पॉपुलेशन है ये कहाँ 1791 और 1801 इनके इन बिटवीन आती है। इसका मतलब कि यहाँ इस जगह पे है कोई वैल्यू जो वो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1795। तो क्योंकि ये बिल्कुल डाटा के स्टार्ट में है तो इसे हमें पता चलेगा। तो जब डाटा के स्टार्ट में वैल्यू आई है ना, तो मतलब हम नहीं उन्होंने बताया हुआ कि फॉरवर्ड से करो या बैकवर्ड से करो, तो इसका ये होता है कि अगर डाटा के स्टार्ट में से वैल्यू है तो हम फॉरवर्ड लगा लेते हैं। अगर नीचे फर्ज करो, जैसे अब यहाँ इन्होंने 1825 दिया तो हमें नजर आ रहा है कि ये थी समवेयर नहीं दे, तो फिर हम बैकवर्ड लगा लेंगे। और अगर इन बिटवीन कहीं आता तो स्टीलिंग फॉर्मूला, मतलब इस तरह से हम ना कर लेंगे। अब क्योंकि अब 1795 हमने, तो यहाँ पे इसका मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा 1795। अब ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इस जगह पे वो वैल्यू आती है जो हमें उन्होंने फाइंड करने का है, जैसे यहाँ पे 1795 है, सही है। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें ना, तो
तो ये इस तरह से बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू, मतलब जो जिसकी उन्होंने हमें वैल्यू फाइंड करना है 1795 है वो, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये बाकी तो हम मतलब पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमें वैल्यू चाहिए, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हो कि हमें यू की वैल्यू चाहिए। अब यू की कैसे मिलेगी, ये देखो, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो चलो इधर कर लेते हैं साइड पे, बाद में देखते हैं। अब एक्स प्लस एच यू है, ये किसके बराबर है 1795 के, ठीक हो गया। और ये एक्स जो वैल्यू अब हमारी, ये देखो एच जो है इंटरवल, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल है ना, ये हमारे ये जो लेंथ है ना इस इंटरवल की, ये है 10, तो एच की जगह आ गया 10, यहां पे आ गया यू प्लस, तो ये हमारी ये जो x है ना, ये वाली वैल्यू है जो इनिशियल, मतलब कोई हमें बेस पॉइंट तो चाहिए ना, क्योंकि अब इन्होंने 1795 की है, तो यहाँ पे इन बिटवीन आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन अगर 1791 में ये है, तो उसका आगे से ट्रेंड मतलब कैसे होगा। तो अब 1791 ये जो है हमारा, ये बेस पॉइंट होगा 1791, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा u इज इक्वल टू 1795 माइनस 1791 डिवाइडेड बाय आ गया 10। अब इसे कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, 1795 माइनस 1791 दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा गया 0.4। तो हमारी u की जो वैल्यू है ना, ये आ गई 0.4। इसे जरा इस तरह से कर लेते हैं। ये पता क्या, कुछ लोग यहाँ पे जैसे, अब मैंने x है ना, तो इसे x नॉट भी लिख लेते हैं, क्योंकि इनिशियल हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x नॉट भी आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ, आप लोग ये देखो कि हमने समझना किस तरह से। यहाँ पे बज लोग f ऑफ a प्लस एच यू भी लिख देते हैं, तो ये मैटर नहीं करता फॉर्मूले में हम कौन सी चीज, ये होना हमें पता होना चाहिए कि हमने करना कैसे इस दिन, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, अब हमें फॉर्मूलाज के अंदर क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स, अब देखो हमने एक्स जो है ये क्या लिया हमने 1791, अगर हमारा एक्स जो है वो 1791 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो इसके सामने है 48, ठीक हो गया 48। फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स, अब हमने इस तरह से ना आगे को चलना है, इसका डेल्टा एफ ऑफ एक्स होगा 17 डेल्टा स्क्वायर, ये इस तरह 17 के बाद नेगेटिव 11, फिर 17 और फिर एट दी एंड -22। तो अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा x जो था वो था ये बेस पॉइंट जहां से हमने लिया 1791, तो f ऑफ x हो गया 48, तो यहां पे आ गया 48 प्लस, अब u हमारा ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दिस इज 0.4, 1 factorial तो 1 ही होता है। अब पहला जो डेल्टा f ऑफ x है हमारा 17, ठीक है, तो यहां पे अब हम लिख लेते हैं 17 प्लस, ये मैंने अभी इधर कर लिया ना, तो मैं नीचे चले जाते हैं। अब u, u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 factorial, u हमारा क्या था 0.4, 0.4 आ गया, 0.4 माइनस 1 ओवर 2 factorial, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास टेबल में है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स ये था, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इससे आगे वाला, ये वाला माइनस 11, तो ये हमारा आ गया डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस 11 आ गया। अब आगे प्लस यू, यू माइनस 1, यू माइनस, अब यू हमारा था 0.4 चलो ऐसे कर लेते हैं, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 factorial डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स हमारा आ गया ये वाला 17, ये आ गया 17 प्लस, फार्मूला मैंने आपको जैसे कि बता दिया आगे चलता है, तो उस हिसाब से हमारा क्या आएगा 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, सो ऑन। 3 factorial था तो अगला आना था 4 factorial, तो साथ में डेल्टा 4 आना था, यहाँ पे अगर फॉर्मूला आगे ऐसे चलता जाए, तो डेल्टा 4 हमारे पास ये रहा -22, तो ये यहाँ पे हम लगा देते हैं इसकी वैल्यू -22, हमारी वैल्यू आ गई।
अब इसे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के ऊपर सिंपली कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे अपनी वैल्यूज में, ज़रा इधर कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। 48। तो कुछ लोग पूछते हैं कि जब मैं इस तरह से कैलकुलेट करती हूँ ना, मेरा कैलकुलेटर किस मोड में है। तो शिफ्ट मोड, ये जो पहले पे आपको नज़र आ रहा है ना MTH10, इसमें मैं हमेशा कैलकुलेशन करती हूँ इसकी, क्योंकि ना फिर फ्रैक्शन में ज़रा इजीली लिखा जाता है, मुझे वो डिवीजन वगैरह साइन लिखना अच्छा नहीं लगता। खैर, तो अब ये 48 प्लस ये हमारा आ गया 0.4 इंटू 17 प्लस ये आ गया 0.4 माइनस 1, तो ये डिवाइडेड साथ में लिख देते हैं -11 लिखा जा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, सही हो गया। आगे प्लस 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, अब मल्टीप्लाई से किया, सॉरी 17 के साथ, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। आगे हमारा प्लस 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3, मल्टीप्लाई से किया हमारा क्या है -22, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4 3 12 12 2 24, मल्टीप्लाई हमने किया 24 के साथ। अब इक्वल प्रेस करो, लो भाई हमारा आंसर आया है, ये साइड पे कर दो, हमारा आंसर आ गया है 58.12। अभी मैंने आप लोगों के सामने किया, मे भी कोई मिस्टेक हो मे भी ना भी हो, तो ये हमारा जो F1795 मतलब 1795 में हमारी जो पॉपुलेशन थी, तो वो आ गई आंसर 58.12। अब इसका एक मतलब हमने ये भी चेक करने का तरीका कि कहीं ज़्यादा ही कोई गलत नहीं आंसर आ गया। अब 58.12 है ना, तो हम देखेंगे हमारा जो टेबल है तो पॉपुलेशन जा रही 48 फिर 65, मतलब इन बिटवीन हमारा कोई पॉइंट था और इन बिटवीन हमारी जो वैल्यू भी 58.12 समथिंग, तो यहीं आ गई है। इसका मतलब कि ये सही है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड के साथ, अब हमने देखना है कि बैकवर्ड के साथ इसे कैसे करेंगे। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस बस है, बाकी सारी चीज़ सेम ही है। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, इसका सिर्फ फॉर्मूला हमने, फॉर्मूले में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस यू, फॉर्मूले में भी ये आता है नेबला एफ ऑफ एक्स, सही। ये मैंने आपको नेबला का बता देती हूँ क्या सीन है, प्लस यू, पहले u माइनस 1 आया था ना हमारा फॉरवर्ड में, इसमें बस यही डिफरेंस है कि यहाँ u प्लस 1 आएगा, ये आ गया u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ गया नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, उसे हम कहते थे डेल्टा, और ये जो है हमारा उल्टा ट्राइंगल कह देते हैं इसे, ये हो गया नेबला, ठीक हो गया। आगे u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, नेबला क्यूब एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। इसमें भी उसी तरह से हमने करना है एक्स प्लस एच यू, एक तो मैंने ये आपको इस तरह से बताया ना कि एक्स प्लस एच यू आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको हो यू की वैल्यू अगर चाहिए तो हम लिख लेते हैं यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड, इसीलिए मैंने आपको एक्स नॉट का कह रही थी कि समटाइम वो लोग एक्स नॉट यूज करते हैं, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एक्स नॉट है ना, ये शो कर रहा है इनिशियल पॉइंट जिसे हमने बेस लिया हुआ, और एक्स जो हमने एक्चुअली हमें जो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बस वो हमने फाइंड कर लेनी है, मतलब इस केस में अगर हम न्यूटन बैकवर्ड का हमने फॉर्मूला लगाना है, तो देखो उसमें टेबल जैसे अब ये टेबल है ना, ये हमने बनाया था फॉरवर्ड के लिए डेल्टा के लिए, उसमें बस यहाँ पे नेबला का साइन आ जाएगा, ऐसे करके नेबला स्केयर एफ ओफ एक्स नेबला क्यूब एफ ओफ एक्स, बाकी फाइंड इसे इसी तरह से करना है, सेम इसी ऐसे ही आएगा,
ठीक हो गया। और इसमें अब हमने मेन जो डिफरेंस अब क्या आना है, अब उन्होंने इसमें हमें कहा है कि अगर आप बैकवर्ड से करें ना, देखो 1825 इट इज समवेयर डाउन देयर, ओके। तो ये 1825 1821 टू 1831 इसके इन बिटवीन आएगा। तो ये हम अब हमारा बेस पॉइंट जो है ये 1831 होगा, जैसे पहले 1791, तो ये अब हमारा बेस आ गया। और अगर इसका x जो कोरस्पोंडिंग f ऑफ x जो होगा 96 होगा, और हम इस तरह से चलेंगे। अब 96 फिर इसमें नेबला स्केयर जो f ऑफ ये हो जाएगा नेबला f ऑफ x हमारा, तो फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा नेबला स्क्वायर f ऑफ x, ये जो है हमारा हो जाएगा नेबला क्यूब f ऑफ x, और ये जो है हमारा हो जाएगा नेबला 4f ऑफ x। तो फिर हमने इस तरह से चलेंगे, फॉरवर्ड में हम ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बैकवर्ड में हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बस ये इतना सा डिफरेंस है, बस वैसे ही हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसे जरा मैं साइड पे कर दूं। अब मैं वैसे ही आपको ना, ताकि अगर थोड़ी बहुत किसी में फिर भी कंफ्यूजन रहेगी हो तो मैं बता देती हूँ। अब ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये अब सेपरेट समझिए, एफ ऑफ एक्स अब हमारा जो, क्योंकि 1825 में फाइंड करना है, तो अब हमारा बेस जो है इस पॉइंट को हम अपनी बेस समझेंगे 1831 को। तो 1831 के कोरस, ये हमारा एक्स है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो ये बन जाएगा 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 प्लस यू, यू पता कैसे के? ये मैं आपको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया था, आप लोग वैसे ही करो जैसे हमने पहले किया, एक्स प्लस एच यू, क्योंकि ये जो अंदर वाली ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी है 1825 ही है, 1825 आ गया। एक्स हमारा बेस पॉइंट 1831 है बैकवर्ड के केस में, 1831 प्लस एच जो हमारा इंटरवल 10 ही है, यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1825, तो ये आ गया यू हमारा आ जाएगा 1825, ये 1831 उधर हो गया माइनस हो गया 1831 डिवाइडेड बाय ये जो यू के साथ 10 था। तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हम पुट करके इस फॉर्मूला में लगा देंगे। तो आप लोग करो इसे और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताओ क्या आता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कोई और वीडियो मतलब इसी टॉपिक पे चाहते हैं बताएं, मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह उस पर भी ना। सो थैंक यू सो मच।